गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। छात्रगण, कोरोना संक्रमण काल में लगातार परेशानियों से जूझे हैं आप, परेशानियों का सामना किया है आपने, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब इन परेशानियों का जमकर हमें सामना करना है, इन चुनौतियों को स्वीकार करना है और डटकर हमें इनका मुकाबला करना है। छात्रगण, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया, अंबर के तारे को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर टूटे हुए तारों पर कभी अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी की इस कविता से मैं आज शुरुआत कर रहा हूं कक्षाओं की। छात्रगण, आज की जो ये कक्षाएं हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे लाइव क्लासेस आने के पीछे कारण क्या है? छात्रगण, ये कारण ये है लाइव क्लासेस के लिए कि आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े, आप सीधे तौर से हमें देखें और इस बात को आप महसूस करें कि सही मायनों में लाइव क्लासेस का क्या आनंद आता है, आपको किस तरीके से सुखद अनुभूति होती है। छात्रगण, कोरोना संक्रमण काल में निश्चित तौर पर हम सभी एक घरों में कैद हो गए थे, नकारात्मकता हम पर हावी हो गई थी, सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन अब उजाले की किरण नजर आ रही है। छात्रगण, हम लोगों के पास में अब आने वाले समय में कई वैकेंसियां आएंगी, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की हो, झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी विवादों का निपटारा किया जा रहा है, उन सभी विवादों के निपटारे के बाद जेपीएससी, जेएसएससी, अन्य जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जेटेट, सब प्रतियोगिता परीक्षाओं का छात्रगण आयोजन होगा। और हमेशा सकारात्मक सोच रखें छात्रगण, ये कभी भी ना सोचें कि आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, है ना, आने वाला समय अच्छा होगा और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, इसी बात को लेकर के हमें चलना है, इसी बात को लेकर के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। छात्रगण, ये आपको ध्यान रखना होगा। छात्रगण, अब मैं एज ए मेंटर आपको बतलाना चाहूंगा और आपको एक तरीके से आह्वान करना चाहूंगा, जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वैसे ही गुरुकुल भी आपको कह रही है, मैं भी आपको कह रहा हूं, पढ़ाई की ओर लौटो, भूल जाओ अब कोरोना को, भूल जाइए क्या हुआ था विगत 6 महीने में, अब हमारा एकमात्र उद्देश्य रहेगा छात्रगण, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, स्टडी स्टडी और स्टडी, क्योंकि छात्रगण पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको मान सम्मान, पावर, ग्लैमर, ताकत, ऊर्जा, समाज में एक अच्छी छवि, आपके माता पिता के सर को ऊंचा करती है, यह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही संभव हो पाता है छात्रगण। इसलिए ज्ञान रूपी चक्षु को खोलिए और हमारे साथ इस लाइव क्लासेस में जुड़ जाइए। मैं पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्रगण, सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को इतना ओतप्रोत कर लीजिए कि आने वाले समय में जितनी भी सरकारी वैकेंसीज आए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आए, आप उसमें सफलता के झंडे बुलंद कर सकें। इसी सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ छात्रगण, मैं आप लोगों के बीच में एक लंबे अरसे के बाद आया हूं और उम्मीद है कि आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार, सम्मान, शुभकामनाएं हमें और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती थी, हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती थी, हमें अपने जोश ऊर्जावान क्लासेस के द्वारा स्टूडेंट के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा को चार्ज करने की शक्ति देती थी, आज वही शक्ति फिर से मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती, ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, ईसा मसीह से लेकर के बुद्ध, महावीर, सभी आपके जीवन में लेकर के आए। छात्रगण, आज जिस टॉपिक की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, छात्रगण आंदोलन टॉपिक से ही आज मैंने शुरुआत की है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब आंदोलन हुए हैं तब तक इतिहास बदला है। छात्रगण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार के खिलाफ भी जेपी मूवमेंट चलाया था और उस आंदोलन में उन्होंने नारा दिया था, तख्त बदल दे, ताज बदल दे, बेईमानों का राज बदल दे। और छात्रगण, आज भी गुरुकुल आपके सामने
एक आंदोलन रूपी चैप्टर को लेकर के आया है ताकि आप भी आंदोलनरत हो जाएं, चाहे वह सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन हो, चाहे वह अपने कैरियर के लिए आंदोलन हो, चाहे वह अपनी पढ़ाई के लिए आंदोलन हो, चाहे अपने अंदर जज्बे और जुनून को आंदोलित करने के लिए आंदोलन हो। यही सब मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। छतगण, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन एक ऐसे टॉपिक है जो न केवल आपको हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगी, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी ये आपको काम आएगी। चाहे आप जेपीएससी में एंसेंट हिस्ट्री के पेपर को रखते हो, यूपीएससी के लिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने हिस्ट्री रखा हुआ है, वहां के लिए चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। प्रारंभिक परीक्षा में आप एसएससी, रेलवे, जेटेट, सीटेट, जेपीएससी, यूपीएससी, है ना, झारखंड सब इंस्पेक्टर, जेएसएससी और अन्य जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेंगे, सब जगह आपको ये चैप्टर मील का पत्थर और संजीवनी बूटी की तरह आपके लिए कारगर साबित होगी। छतगण, इसे आपको ध्यान रखना होगा। तो छतगण, ये चैप्टर पीटी और मेंस दोनों जगह आपको पे करेगी, यानी एक पंथ दो काज, आपको ये ध्यान में रखना है। छतगण, ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले हम लोग जानेंगे छतगण पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड क्या है इस चैप्टर का बैकग्राउंड, और आज तक के भारतीय इतिहास में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए थे वह तीन हुए हैं छात्रगण, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं वो तीन आंदोलनों का आयोजन हुआ है। छात्रगण, गौर करेंगे, पहला आंदोलन जो कि आज टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, छात्रगण। दूसरा, मध्यकाल में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। तीसरा, आधुनिक काल में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ये तीन धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों से आपको छतगण रूबरू होना है। छतगण, हम लोग एक एक करके आते हैं, है ना। आधुनिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गुलाम अहमद साहब और एक से बढ़कर एक दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फद्दोन जी, है ना, के द्वारा जो चलाया गया था, ज्योतिबा राव फुले, प्रोफेसर डीके करवे, ये सब जो आंदोलन जिन्होंने चलाया, छात्रगण प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति उस समय कैसी थी कि आंदोलन चलाने की आवश्यकता पड़ी, आखिर क्या कारण थे छात्रगण कि आंदोलन की ओर रूबरू होना पड़ा था हमारे समाज सुधारकों को। छतगण, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, समाज में सती प्रथा मौजूद थी, समाज में विधवा पुनर्विवाह पर रोक की प्रथा मौजूद थी, समाज में बाल विवाह की प्रथा मौजूद थी, समाज में कन्या हत्या की प्रथा मौजूद थी, समाज में अन्य कुप्रथाएं, नारी अशिक्षा जैसी कुप्रथाएं मौजूद थी। छतगण, इन कुप्रथाओं के खिलाफ हमारे धार्मिक समाज सुधारकों ने, हमारे पुरोधाओं ने आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन को आधुनिक भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। छतगण, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया और इनके ही प्रयासों से 1829 के 17वें अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, एक कानून बना दिया। क्वेश्चन आपका तैयार हो गया छात्रगण, पूछेगा सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कब किया था, 1829 के 17वें अधिनियम के तहत किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने में किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान था, राजा राममोहन राय। ध्यान देंगे छात्रगण, है ना, 9 दिन के प्रातः का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राममोहन राय को। छतगण, आप जानते हैं ये सब सवाल आपको पूछे जाएंगे। छतगण, पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था, यही सती प्रथा थी। छतगण, सती प्रथा के खिलाफ राजा राममोहन राय ने आवाज बुलंद की और उनकी आवाज से प्रभावित होकर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 के 17वें अधिनियम के तहत सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। छतगण, जब सती प्रथा पर रोक लग गई
तो महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाने लगा, विधवा महिलाओं के साथ। उन्हें कुलक्षिणी, पति को की मृत्यु का कारण और अन्य कई अपशब्दों से प्रयोग किया जाता था छात्रगण। उन्हें किसी भी सामाजिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। छात्रगण जितने भी शुभ समारोह होते थे विधवाओं को वहां से निष्कासित किया जाता था और उन्हें अपशगुनी कहा जाता था और कहा जाता था कि इनके साये से भी दूर रहो। छात्रगण ऐसी स्थिति में एक समाज सुधारक ने बीड़ा उठाया समाज को सुधारने का और वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। छात्रगण ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि विधवा को भी अपने जीवन में रंग भरने का अधिकार है, विधवा को भी सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, विधवा को भी अपने जीवन में खुशियों की सौगात प्राप्त करने का अधिकार है। और छात्रगण यही कारण था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले अपने योग्य पुत्र का विवाह एक विधवा के सामने किया, एक विधवा के समक्ष किया, एक विधवा के साथ किया। कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा छात्रगण, है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे की कहावत को चरितार्थ उन्होंने किया। छात्रगण दूसरे को उपदेश देने के पहले स्वयं जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उन उपदेशों का कोई फायदा नहीं होता है। छात्रगण ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने दूसरों को प्रेरित करने के पहले खुद अपने योग्य पुत्र इंजीनियर पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया। इससे समाज में क्या मैसेज गया कि देखो ये समाज सुधारक पहले अपने योग्य पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही कारण था छात्रगण कि विधवा विवाह को भी कानूनी मान्यता दी गई थी। छात्रगण स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति का पूरा परचम लहरा दिया पूरे हिंदुस्तान में और कहा वैदिक सभ्यता और संस्कृति को अपना करके ही देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। छात्रगण स्वदेशी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। छात्रगण मूर्ति पूजा का विरोध किया, शिक्षा पर उन्होंने बल दिया और कहा था कि चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद को अपना करके ही आप सीधे तौर पर इस देश का कायाकल्प कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था वेदों की ओर लौटो। आज समाज की स्थापना 1875 में बंबई में करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश के लिए बहुत ही जबरदस्त योगदान दिया छात्रगण और इन्होंने स्वदेशी का नारा देते हुए कहा था भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया इज फॉर इंडियंस। छात्रगण स्वामी विवेकानंद जो कि आप युवाओं के लिए सबसे बड़े पुरोधा हैं, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, सबसे ज्यादा प्रेरणादायक हैं, इसलिए इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्रगण स्वामी विवेकानंद ने कहा एक प्रसिद्ध कथन जो कि आप युवाओं के लिए में भी जोश और क्रांति जागृत करेगा, जो कि आपके युवाओं में भी आपके अंदर मन मस्तिष्क में और आपके अंदर की अंतरात्मा में भी एक जबरदस्त क्रांति का जो है एक जन सैलाब लेकर के आएगा। छात्रगण स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। छात्रगण उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। यानी आपको भी मैं आह्वान करता हूं छात्रगण स्वामी विवेकानंद के ही शब्दों में उन्हें के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हो जाते। उस समय तक भूल जाओ सब कुछ, क्या होता है सिनेमा, क्या होता है सामाजिक उत्तरदायित्व, क्या होता है गर्लफ्रेंड, क्या होता है कॉलेज के बाहर खड़ा रहना, क्या होता है सिनेमा हॉल, क्या होता है पान की गुमटी, क्या होता है चाय का दुकान, क्या होता है दोस्तों के गपशप, भूल जाओ इन सब चीजों को और एकमात्र लक्ष्य रखो कि सरकारी नौकरी को कैसे प्राप्त करना है, किस प्रकार से जीवन में सफल होना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कर गुजरने का मादा अपने अंदर में क्यों न लाना पड़े। छात्रगण स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक परफेक्ट यूथ, एक सही युवा, पूर्ण रूप से युवा मैं उसी व्यक्ति को कहूंगा जो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, मानसिक रूप से भी मजबूत हो और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। बोला युवाओं की यही सबसे बड़ी परिभाषा होती है कि उसे तीनों रूपों से मजबूत होना होगा। शरीर आपने बना लिया सनी देओल जैसा, सलमान खान के जैसा, ऋतिक रोशन के जैसा, अक्षय कुमार के जैसा, या गठिला शरीर, पूरा जिम किया हुआ शरीर और दिमाग में गोबर भरा हुआ है। विवेकानंद ने कहा नहीं, मैं इन्हें नहीं मानूंगा युवा, युवा की परिभाषा यह नहीं है। कहा आप
दिमाग भी आपका बहुत तेज है, शरीर भी आपने बहुत मजबूत बना लिया, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हो आप, पॉकेट में पैसा नहीं है, खाने को लाले पड़े हुए हैं, होटल से गुजर रहे हो, दूसरों को खाते हुए देख रहे हो, मिठाई मुंह में लाल आ रहा है लेकिन पैकेट में पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो उसे भी युवा उन्होंने नहीं माना था। तो छतगन युवा की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा था कि जो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, जो मानसिक रूप से भी मजबूत हो, वही युवा है। छतगन स्वामी विवेकानंद ने भारत का परचम लहराया 1893 में शिकागो के धर्म संसद में, जब इन्होंने व्याख्यान दिया मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तब पूरा विश्व इनकी ओर देखने लगा और कहने लगा कि वाह, सही मायनों में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है तो ऐसे ही लोगों के कारण कहा जाता है। छतगन शून्य हिंदुत्व और भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच समन्वय कैसे स्थापित की जाए, इस विषय पर जो इन्होंने व्याख्यान दिए थे वो अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय थे, जिसे आपको छतगन ध्यान में रखना होगा। छतगन आधुनिक भारतीय इतिहास में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, मुस्लिम धर्म के लोगों को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, तकनीकी शिक्षा पद्धति के द्वारा मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसे अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। छतगन है ना, छतगन मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया, वहाबी आंदोलन, देवबंद स्कूल दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फद्दौन जी के द्वारा चलाया गया, रहनुमाई मजदाइसन सभा, पारसी धर्म सुधार आंदोलन, ये सब आधुनिक भारत के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन थे। क्यों हमारे सामाजिक पुरोधाओं को आंदोलन चलाने के लिए विवश होना पड़ा छात्रगण? क्योंकि उस समय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाएं मौजूद थी। छतगन ये आधुनिक भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिससे सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से पूछे जाते हैं। पैनी निगाह रखनी होगी और एक चीजों को छतगन आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन मध्यकाल में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, यह भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छतगन मुस्लिम आक्रमणकारियों, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज खां, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू धर्म, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम सनातन धर्म माना जाता है, इसके पतन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, हिंदुओं को बलपूर्वक छतगन मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया, तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, जजिया कर आरोपित कर दिया गया, ताकि हिंदू धर्म के लोग मजबूरी वश इस्लाम को अपना सकें। छतगन ऐसी विकट परिस्थिति में, जब हिंदू धर्म पतनोन्मुख हो चुका था, जब हिंदू धर्म पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, ऐसे में हमारे धार्मिक आंदोलनकारियों ने, हमारे धार्मिक संतों ने एक आंदोलन चलाया, जिसे मध्यकाल का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। क्या उद्देश्य था छतगन इस आंदोलन का? छतगन इस आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करना, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करना, यही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। छतगन, छतगन शंकराचार्य मध्यकाल के प्रथम हिंदू धार्मिक संत हुए, जिन्होंने भारत के चार दिशाओं में चार हिंदू मठ या पीठों की स्थापना की थी। श्रृंगेरी पीठ, जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैसूर में मौजूद है, उत्तर भारत में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, छतगन पुरी में जो कि उड़ीसा में है गोवर्धन पीठ, और सादा पीठ जो कि गुजरात में द्वारिका में मौजूद है। ये चार दिशाओं में इनके द्वारा स्थापित चार पीठों ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छतगन शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिया था, अद्वैतवाद। छतगन यूपीएससी ने पूछा है अद्वैतवाद क्या होता है, What do you mean by अद्वैतवाद? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, आप सब जानते हो कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिया था, है ना? सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, एसएससी ने, रेलवे ने कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को, है ना, कि अद्वैतवाद मत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। लेकिन छतगन यूपीएससी एक ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा है जो कि भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, और उसका क्वेश्चन छतगन इतना आसान नहीं रहता है, उसके क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, क्योंकि आपको जिले का कलेक्टर, एसपी, बड़े बड़े पदों पर आपको
सुशोभित किया जाता है छतगन, तो सवालों की प्रक्रिया भी उसी तरह की होती है। छतगन, सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, अद्वैतवाद मत क्या है, द्वैतवाद क्या है, द्वैता द्वैतवाद क्या है, शुद्धा द्वैतवाद क्या है, विशिष्टा द्वैतवाद क्या है, और यहीं पे आपको छतगन फंसा लेता है। इसलिए छतगन, यूपीएससी के लिए आपको यदि तैयारी आप कर रहे हो तो आपको जानना होगा सब पर नजर और सबकी खबर, और साथ साथ फैक्ट और कंसेप्ट का मिश्रण, फैक्ट्स पर भी कमांड रखना होगा, कंसेप्ट पर भी कमांड रखना होगा, दोनों चीजों का ध्यान देना होगा। छतगन, शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद मत दिया था उसका अर्थ होता है ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, यही है अद्वैतवाद मत, जिसे आपको छतगन ध्यान में रखना होगा। अद्वैतवाद मत, अद्वैतवाद मत का अर्थ होता है ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, यह ध्यान में रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, रामानंद के बारे में आपने सुना होगा, जिनके 12 शिष्य थे, कबीरदास जी, रविदास या रविदास, है ना, सेना से लेकर के धन्ना से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शिष्य हुए थे छतगन, रामानंद के बारे में भी आपको पढ़ना है मध्यकाल में, है ना, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ना है, वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ना है, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की, कवितावली दोहावली की रचना की, सूरदास जी के बारे में पढ़ना है जो कि कृष्ण के भक्त थे, सूर सागर साहित्य लहरी की रचना की, मीराबाई के बारे में आपको पढ़ना है छतगन, जिन्होंने जो है जबरदस्त रूप से जो है आपको भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को समाहित कर दिया और ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण को समर्पित एक से बढ़कर एक रचनाएं की। छतगन, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको पढ़ना है मध्यकाल में, जिन्होंने कीर्तन प्रणाली संकीर्तन प्रथा की शुरुआत पहली बार की, जो अभी आप कीर्तन प्रणाली देखते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, जो आप देखते हैं कीर्तन, ये किसकी देन है, चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग स्वामी भी कहा जाता था, जिनका नाम निमाई पंडित विश्वेश्वर था, चैतन्य महाप्रभु विद्यासागर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ध्यान रखेंगे छतगन। छतगन, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जानी रे के रचयिता गुजरात के नरसिंह मेहता, ये सब महान महान व्यक्तित्व जो हुए छतगन, ये सब मध्यकाल के धार्मिक संत थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का तो प्रयास किया ही, समाज में व्याप्त बुराइयों पर भी करारा प्रहार किया। छतगन, कबीरदास जी ने आलोचनात्मक तरीके से समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया, यह भी मध्यकाल के एक बहुत बड़े संत थे, जो निर्गुण विचारधारा के संत थे, पोथी पदी पदी जग मुआ पंडित भयान आप कोई ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। छतगन, कबीरदास जी के दोहों का संग्रह बीजक कहलाता है, यह क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। छतगन, दादू दयाल निपक आंदोलन जिन्होंने चलाया था, संत रविदास जो कि मीराबाई के गुरु थे, पेशे से चमार या मोची थे छतगन, लेकिन गुण इतने जबरदस्त थे कि मैं आपको क्या बतलाऊं। छतगन, ये सब चीजें मध्यकाल में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में आपको पढ़नी है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, मध्यकाल का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। और तीसरे टॉपिक की ओर हम लोग आ रहे हैं छतगन, जिसकी शुरुआत आज मैं कर रहा हूं आप लोगों के सामने, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। छतगन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया था। छतगन, पहला सवाल आपका तैयार हो गया, प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कब चलाया गया था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलाया गया था। छतगन, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस ने भी समाज सुधार का आंदोलन चलाया था, है ना। और छतगन, यही वो काल था जब भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था हिंदुस्तान की पावन धरती पर, ध्यान रखेंगे छात्रगण। छतगन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आंदोलन चलाया गया, आखिर उसके क्या कारण थे? छतगन, आधुनिक भारत में आंदोलन जो चलाया गया, उसका कारण मैंने आपको बतलाया, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, विधवा पुनर्विवाह पर रोक इत्यादि, नारी अशिक्षा। मध्यकाल में जो चलाया गया, हिंदू मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जाने के कारण चलाया गया था, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए चलाया गया था। ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे छतगन, इसलिए मैं इसको डिटेल्स बतला रहा हूं आपको,
यूपीएससी का आप एग्जाम दोगे, जेपीएससी का दोगे, एसएससी सीजीएल का दोगे, रेलवे का, एसएम का दोगे, तो वहां कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है छात्रगण। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको यह जानकारी रखनी होगी छात्रगण। प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों चलाया गया, क्या कारण थे इसके, इसे भी हम लोगों को जानना होगा छात्रगण। प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए जाने के पीछे पहला कारण था वर्ण व्यवस्था। छात्रगण, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन भारतीय इतिहास में मिलता है छात्रगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी तरह के प्रशासनिक कार्य से लेकर पूजा पाठ के सारे कार्य ब्राह्मण द्वारा ही संपन्न किए जाएंगे। इसी में कहा गया है ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, इसलिए क्षत्रिय का मुख्य कार्य रहेगा अन्य वर्गों की रक्षा करना, सेना में भर्ती होना, युद्ध करना, अन्य समुदायों की रक्षा करना। छत्गण, ब्रह्मा जी के जांग से वैश्य को जन्मा बतलाया गया है और वैश्य का मुख्य कार्य बतलाया गया था व्यापार। और छत्गण, ब्रह्मा जी के शूद्र यानी कि ब्रह्मा जी के पैर या तलवे से शूद्र का जन्मा बतलाया गया है, शूद्र को जन्मा बतलाया गया है, सबसे निम्नतम निकृष्ट पाठ से उनको जन्मा बतलाया गया है, इसलिए उनके लिए सबसे निम्न कार्य बतलाए गए छात्रगण। शूद्र के द्वारा जो सबसे निम्न कार्य होते हैं, मैला साफ करना, सारी गंदगी को साफ करना, है ना, ये सारे कार्य शूद्रों के जो है इसमें दिए गए थे छात्रगण। ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखिएगा, मनन कीजिएगा और स्मरण कीजिएगा छात्रगण। वर्ण व्यवस्था के चलते समाज में सभी वर्णों के बीच गहरी खाई आ गई थी छात्रगण। शूद्रों की स्थिति तो सबसे दयनीय थी, शूद्रों को गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, शूद्र के लिए पीने के पानी का अलग कुआं होता था, शूद्र को मंदिर में प्रवेश वंचित था। और छात्रगण, यदि शूद्र ने वेद, ऋचाएं, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुन लिया तो उसके कान में कांच चूर करके पिघला करके डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हें यह सुनने का अधिकार नहीं है। छत्गण, समाज में ऐसी विकट परिस्थिति, जब शूद्र गांव में प्रवेश करता था तो ढोल बजाते हुए प्रवेश करता था ताकि अन्य वर्ग के लोग किनारे हो जाएं। सामाजिक समारोह में शूद्र को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। छत्गण, ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक आंदोलन चलाया जिसे प्राचीन भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। छत्गण, प्राचीन भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में चलाया गया था। छत्गण, भगवान महावीर ने एक बहुत ही बड़ा कथन कहा, एक बहुत ही जबरदस्त कथन कहा, करोड़ रुपए की बात उन्होंने कथन में समाहित कर दी छत्गण। और वो कथन था, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। छत्गण, जन्म आपका किसी भी कुल में हुआ हो, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, क्षत्रिय में लिए हो, वैश्य में लिए हो, शूद्र में लिए हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप यदि विनम्र हैं, आप यदि मृदुभाषी हैं, आप यदि विद्वता से युक्त हैं, आप यदि औरों से बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से बात करते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और आप यदि उच्च कुल में भी आपने जन्म ले लिया लेकिन आपका व्यवहार रूखा है, आप अपने आप को घमंडी व्यक्तित्व के रूप में निर्मित करते हैं, आप दूसरों से अपने व्यवहार को रूखा रखते हैं, आप केवल हमेशा घमंड में चूर जाते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते, केवल अपने आप को ही तीस मार खां समझते हैं, विद्वान समझते हैं,
तो छतगन ऐसी विद्वता कोई काम की नहीं है। छतगन इसलिए भगवान महावीर ने कहा था, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। शुद्ध कुल में भी यदि आपने जन्म लिया है लेकिन आप मृदुभाषी हैं, विनम्र हैं, विद्वता की खान हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो छतगन प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणवाद था, वैदिक कर्मकांड था, जिसके कारण जो है यह आंदोलन चलाया गया था। दूसरा कारण था छतगन शूद्रों की दयनीय स्थिति, जो मैंने अभी आपको बतलाया। छतगन शूद्रों की दयनीय स्थिति क्या थी कि शूद्रों को बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था और इन्हें मनुष्य नहीं एक पशु के समान व्यवहार किया जाता था। छतगन सोचिए, रामायण महाभारत वेद ऋचाएं सुनने के बाद यदि किसी के कान में कांच चूर करके डाल दिया जाए तो मानवता संसार हो जाती है। छतगन आप इस चीज को सोच के भी देखिए तो आपको कितना तकलीफ लगेगा, कितनी दुखद स्थिति होगी, आपकी अंदर से रूहें कांप जाएंगी कि बताइए ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता था आखिर, मनुष्यता कहां चली गई थी, मानवता कहां चली गई थी, संवेदनाएं कहां चली गई थी, किस तरह का व्यवहार किया जाता था। छतगन अलग थलग रखना, अलग पीने के पानी की व्यवस्था करना शूद्रों के लिए, और उन्हें मंदिरों में प्रवेश वर्जित, सामाजिक समारोहों में प्रवेश वर्जित किया जाता था। ये सब जो समय अत्याचार हो रहे थे, ये भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम लागू होता है। छतगन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, और छतगन प्राचीन भारत में भी धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का यह भी एक बहुत ही बहुत बड़ा कारण था। छतगन वैदिक कर्मकांड यज्ञ आडंबरों से भी लोग अजीज आ चुके थे और इसके कारण भी यह आंदोलन जो है चलाया गया था बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में। छतगन लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो धर्म सादगी पसंद हो, जिस धर्म में आडंबर ना हो, जिस धर्म में यज्ञ विधि विधान बहुत ज्यादा ना हो, जिस धर्म में मनुष्यता की पहचान हो, मनुष्य को महत्व दिया जाता हो और मनुष्य की पहचान उसकी विद्वता, उसकी विशिष्ट व्यक्तित्व से हो, न कि उसकी वर्ण से हो। यही इसी की तलाश में यह आंदोलन चलाया गया था छतगन, जिसका नेतृत्व भगवान बुद्ध और महावीर ने किया था, है ना। तो छतगन याद रखिएगा, आपके सवाल तैयार हो चुके हैं। पूछेगा, प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाया गया था, उसके निम्न कारण थे, किन किन कारणों को आप सही मानते हैं? नंबर एक, वर्ण व्यवस्था। नंबर दो, समाज में ब्राह्मणवाद का बढ़ता प्रभाव। नंबर तीन, शूद्रों की दयनीय स्थिति। नंबर चार, वैदिक कर्मकांड। नीचे ऑप्शन देगा छतगन, केवल एक सही है, एक दो चार सही है, एक दो तीन सही है, उपरोक्त सभी सही है। क्या लगाएंगे छतगन आप बताइए जवाब, जो जो मेरे साथ लाइव हैं वो जवाब दें छतगन। हाँ, बहुत से लोगों ने जो है सही जवाब दिया है, उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि सभी कारण सही थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, छतगन जेपीएससी में भी आ चुका है, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। छतगन प्राचीन भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो चलाया गया था भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के द्वारा, और इन्होंने ही समाज में वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। छतगन ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया, शूद्रों की दयनीय स्थिति को उन्होंने और उच्च मुकाम पर ले जाने की कोशिश की, और मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है कि कहावत को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। छतगन समो के लगों में लाल रक्त बह रहा है, चाहे हम किसी भी वर्ण के हों, किसी भी मजहब के हों। और छतगन इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप किसी भी वर्ण से आते हों, कभी भी अपने आप में घमंड को आत्मसात न करें। छतगन प्राचीन काल में जो यह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जो सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जो यज्ञ विधि विधान धार्मिक आडंबरों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, इसी को आपको इसमें पढ़ना है छतगन, इसी को आपको डिटेल्स जानना है, ध्यान रखेंगे। छतगन जहां तक हम लोगों की लाइव क्लासेस की बात होती है, और हम लोग जिस प्रकार से क्लासेस आप लोगों के बीच में आ रहे हैं लेकर के, ई ज्ञान सागर रांची के डिजिटल कंपनी के साथ हमारा जो है छतगन एग्रीमेंट हुआ है, और उन्हीं के सहयोग से ये लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। छतगन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ई ज्ञान सागर
डिजिटल कंपनी रांची को भी, जो कि शिक्षा का अलग पूरे जो है कोरोना काल में पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बात का प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों को यह कह दी कि आप घर बैठे रहें, आप सुरक्षित रहें, आप कोरोना से बचें, लेकिन पढ़ाई को मैं रुकने नहीं दूंगा, थमने नहीं दूंगा, मैं आपको डिजिटली ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे कक्षाओं को प्रदान करूंगा, ताकि आपको कहीं से यह आभास ना हो कि आप गुरुकुल की कक्षाओं में बैठे हैं या घर बैठकर के क्लास कर रहे हैं। आपको यही आभास होगा कि आप तो सर के सामने बैठे हुए क्लासेस कर रहे हैं, कहीं से आपको छात्रगण यह प्रतीत नहीं होगा कि आप जो है घर में बैठकर के क्लासेस कर रहे हैं। छात्रगण, मैंने आपको पहले ही कहा ऑनलाइन क्लासेस को हम लोगों ने जो कोरोना पीरियड में शुरू किया है, और कोरोना पीरियड में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लगातार छात्रगण दी है, लाइव मोड में अभी हम लोग आए हैं नए प्रयोग के तहत। छात्रगण, हम लोगों ने क्लासेस को बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ाया, चाहे मैंने, स्वरूप सर ने जो कि भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक, आप लोगों के लोकप्रिय शिक्षक, चाहे संजय सिन्हा सर गुरुकुल की धड़कन और रीजनिंग और पेडागोजी के बेताज बादशाह, केमिस्ट्री के बेताज बादशाह संजय सिन्हा सर, महेंद्र सर इंग्लिश के जबरदस्त विशिष्ट व्यक्तित्व, हमारे असद सर जो कि बहुत ही जबरदस्त गणित के विशेषज्ञ, हमारे रविंदर सर फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्ञाता, कंप्यूटर के महान ज्ञाता इंजीनियर के रूप में कार्यरत, इन सभी शिक्षकों ने आपको कक्षाओं में जो भी पढ़ाया वो पढ़ाने का तरीका हमारा बिल्कुल उसी तरीके का है जो कि ऑफलाइन मोड में हम लोग पढ़ाते हैं। छात्रगण, कक्षाओं में एक एक चीजों को पढ़ाना, एक एक चीजों को समझाना और एक एक चीजों को लिखाना, ताकि आप घर बैठे बिल्कुल उसी अंदाज में कक्षाओं को कर सकें। साथ में आपको छात्रगण कॉपी कलम रखनी जरूरी होगी। आज तो ये हम लोगों का ट्रायल बेसिस चल रहा है लाइव क्लासेस, लेकिन अगली कक्षाओं से छात्रगण आप सभी को अपने पास में अपनी कॉपी पेन साथ में रखने होंगे। साथ ही साथ आपको कॉपी कलम के साथ दो तरह के कलम रखने होंगे छात्रगण, एक रेड या ग्रीन कलम, दूसरा ब्लैक या ब्लू कलम। छात्रगण, रेड या ग्रीन कलम से आपका हेडिंग बनेगा, जैसे यहां मैंने लिखा है प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, तो आपका रेड पेन या ग्रीन पेन से ये आपके नोट्स कॉपी में हेडिंग बन जाएगा, है ना। छात्रगण, ये ड्राफ्टिंग जो मैंने किया है जो कि मेंस में भी काम आता है, मेंस में इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग करके लिखोगे तो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा नंबर आएंगे, ये प्रस्तुतिकरण करने का तरीका होता है छात्रगण, है ना। तो ये इसे भी आपको रेड या ग्रीन कलम से लिखना है, लेकिन जब नोट्स आप लिखेंगे छात्रगण तब आपको ब्लू या ब्लैक पेन से नोट्स लिखना है, वो भी तीर का निशान देकर के इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव टाइप के ताकि आपके नोट्स बने छात्रगण। चूंकि ऑब्जेक्टिव की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं जो कि आपको यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, जेएसएससी, जेटेट, हर प्रतियोगिता परीक्षा सीटेट, हर जगह प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए मील का पत्थर और संजीवनी मुट्ठी का काम करेगी छात्रगण। इसलिए आपको नोट्स जो अपने लिखने होंगे वो तीर का निशान देकर के लिखने होंगे, और आपका जो तरीका होगा नोट्स बनाने का वो काफी सुंदर तरीके से आपको नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि छात्रगण देखिए मेरी बताई हुई हर बात आपको याद रह जाए ये जरूरी नहीं है। मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं 90% बातें याद करा दूं क्लास में ही, है ना, लेकिन फिर भी जो रिवीजन करने की जो होती है बातें, यदि आप उसे लिखे हुए नहीं रहोगे तो आप रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि छात्रगण इतिहास वगैरह एक ऐसा विषय है जो आदमी थोड़ा सा भूलता है कुछ कुछ दिन होने के बाद, इसलिए इतिहास रिवीजन मांगता है छात्रगण, लगातार चाहता है कि वो रिवीजन आप करते रहें तो आपके दिमाग में वह एकदम तरोताजा होते रहेगा। इसलिए छात्रगण आपको रिवीजन करते रहना होगा और इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। छात्रगण, अगली कक्षाओं में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के पूरे डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और इस लाइव क्लासेस में छात्रगण आपको अपने पास में कॉपी, दो तरह के पेन जो मैंने कहा, लाल और हरा या ब्लू और ब्लैक पेन रखना होगा, तथा एक एक चीजों को छात्रगण नोट डाउन करना होगा। समझाएंगे तो हम धुन करके, है ना, जबरदस्त रूप से एक चीजों को, कॉन्सेप्ट को आपके सामने छात्रगण हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन आपको छात्रगण साथ ही साथ जो है आपको इस पर जो है यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपको इन सब चीजों को जो मैं नोट डाउन करवाऊंगा उसे लिख भी लेना होगा, क्योंकि लिखी भी रहने से आपको दोबारा रिवीजन करने में तो आसानी होगी ही, आपका एक नोट्स भी शानदार तैयार हो जाएगा छात्रगण। तो पुनः छात्रगण, अगले कक्षाओं में लाइव क्लासेस में आप लोगों से मुलाकात होगी, इसी जोश, जज्बे, जुनून, सकारात्मक ऊर्जा के साथ फिर से गुरुकुल आपके बीच में आया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ई ज्ञान सागर के साथ एक नए रूप रंग में,
और यह नया रूप रंग है लाइव क्लासेस। गुरुकुल आपके द्वार, गुरुकुल आपके घर घर में, गुरुकुल आपके दिलों में, गुरुकुल आपके मोबाइल में, गुरुकुल आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में, गुरुकुल आपके सम्मान, शुभकामनाएं और आप लोगों द्वारा दिए गए प्यार को पाकर के हम लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं और यही हम लोगों के अंदर एनर्जी भरता है। छात्रगण पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे अंदर समाहित करता है। पुनः इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले लाइव क्लासेस में हम लोग पुनः मिलेंगे। बस 10 मिनट का इंतजार, 10 मिनट का ब्रेक मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप कॉपी कलम अपने साथ ले आए, सामने में ले आए, ग्रीन पेन या रेड पेन, ब्लू या ब्लैक पेन, और अपनी कॉपी सामने ले आएंगे। चैप्टर वगैरह का हेडिंग बना चुके हैं आप, और चैप्टर की हेडिंग बना लेंगे ताकि हम लोग अगली कक्षाओं में जो है समझेंगे भी और लिखने की भी कार्रवाई करेंगे। छात्रगण तब तक के लिए आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। पढ़ें, लिखें और जीवन में तरक्की करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें ताकि माता पिता का सीना भी चौड़ा हो और उनको आपके नाम से समाज में पहचाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। पुनः मुलाकात होगी, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक। विद्यार्थियों, गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। लाइव क्लासेस मोड में हम लोग आपके सामने आए हैं टेक्निकल युग में, तकनीकी के इस युग में, ई ज्ञान सागर रांची डिजिटल कंपनी के सहयोग से। छतगन ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस का एकमात्र मकसद है कोरोना पीरियड में आप घर बैठे पढ़ाई को रुकने ना दे, थमने ना दे, थकने ना दे। छतगन चलते रहने का नाम जिंदगी है और इसी परंपरा को हमेशा कायम रखना है, ये ध्यान रखिएगा। जिंदगी ना कभी रुकती है, न थकती है, न थमती है, जिंदगी चलते रहती है छतगन। और जो थम जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्हीं के जीवन का अवसान हो जाता है। इसलिए छतगन जिंदगी को चलते रहने देना है और स्पीड को कभी भी कम नहीं करना है। एक त्वरित गति के साथ हम लोग पुनः आपके सामने इस लाइव क्लासेस में आए हैं और छतगन ध्यान रखेंगे, जो जीता वही सिकंदर। जीतने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है और बाकी सब बंदर है। तो छतगन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको ये मन में नहीं रखना है कि क्या सर जो हार जाते, जो कंपटीशन में सफल हो जाते हैं, क्या उनका कोई वजूद नहीं होता। नहीं छात्रगण, ऐसी बात नहीं है। जीवन में कंपटीशन के फील्ड में सफलता प्राप्त करना एक अलग बात रहती है, एक अच्छा इंसान बनना एक अलग बात होती है। छात्रगण सफलता प्राप्त करने के साथ साथ आप एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे इंसान बने, यह भी बहुत जरूरी है। आपको दूसरों के प्रति दया की भावना आपके मन में हो, गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति, जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है उन लोगों तक आप विकास की किरण पहुंचाएं, विकास की गंगा बहाएं प्रशासनिक अधिकारी बनकर के, यह उद्देश्य होना चाहिए। यही जीवन का फलसफा है छात्रगण, यही जिंदगी जो है हमें सिखाती है। हमारे चले जाने के बाद कोई यह कहे कि एक बहुत अच्छा इंसान चला गया पृथ्वी से, इस धरा से, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति का अवसान हो गया, तो समझ लीजिएगा कि हमने अरबों रुपए कमा लिए। और हमने अरबों रुपए कमाए, लेकिन हमारे चले जाने के बाद कोई यह कह दे कि पृथ्वी का बोझ चला गया, बहुत ही बुरा इंसान था, सिर्फ इसने पाप ही पाप किया, सिर्फ इसने गलत ही गलत किया, सिर्फ इसने शोषण किया, घूस ली, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा, केवल जीवन भर इसने दूसरों को सताया, तो आपकी अरबों रुपये भी मिट्टी और पत्थर के समान बन जाती है छात्रगण। इसलिए जीवन में यदि सही कमाई करना है तो सच्चरित्रता, अच्छाई, नेक नियति, दूसरों की भलाई, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना ही हमें आगे ले जाती है छात्रगण। इन्हीं सब सकारात्मक बातों के साथ पुनः मैं आपके साथ लाइव क्लासेस में आ रहा हूं। छात्रगण विगत कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, और मैंने आप लोगों को बतलाया था छात्रगण कि पूरे भारतीय इतिहास में 3 धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। आधुनिक भारत में सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, बाल विवाह, कन्या हत्या, नारी अशिक्षा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ हमारे जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मिर्जा गुलाम अहमद और
दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फद्दोन जी इत्यादि समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। छतगण, एक महिला को पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। उसका कसूर क्या था कि पति की मृत्यु उस महिला के पहले हो जाती थी। छतगण, एक माचिस की तिल्ली हम लोग जलाते हैं, अंतिम छोर आता है, हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि जलन हमें होने लगती है। और सोचिए, एक जीती जागती महिला को उसके पति के चिता में जिंदा जला दिया जाता था और लोग चिल्लाते थे सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। और सोचिए छतगण, वो महिला क्रुंदन करती थी, बचाओ बचाओ बचाओ, और गांव के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसकी आवाज को दबा देते थे। छतगण, छतगण चल जा बेटा सूली पे, भला करेगा राम। लोग कहते थे कि डायरेक्ट स्वर्ग का टिकट है, सीधे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा तुम सती हो जाओगी तो। छतगण, पति शराब पी करके रांची के चुटुपालू घाटी में 120 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, और पत्नी को कहा जाता है कि तुम्हारे कारण पति की मृत्यु हो गई, तो उस पत्नी को कैसा लगेगा। छतगण, छतगण सती प्रथा पर रोकथाम लगी राजा राममोहन राय के प्रयासों से, जो विगत कक्षाओं में मैंने बताया था। मैं पुनः इन सब चीजों को दोहरा इसलिए रहा हूं कि विगत कक्षाओं में जो लाइव हमारे साथ नहीं आ पाए थे वह पुनः इन जानकारियों को समेट लें, इन जानकारियों को प्राप्त कर लें। छतगण, ध्यान देंगे, राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के 17वें अधिनियम के तहत सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। छतगण, सती प्रथा के बाद जब विधवा महिला बच गई तो उसको कुलक्षिणी कहा गया। विधवा को जानवरों के साथ रखा जाता था, उसके बाल मुड़ा दिए जाते थे। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी प्रेम रोग, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी का आपने उदाहरण देखा होगा, जिसे विधवा होने के बाद सफेद वस्त्र धारण करके बाल मुड़ाने के लिए कहा जाता है और ऋषि कपूर उसका हाथ थामता है। छतगण, ठीक उस समय भी समाज में महिलाओं के साथ बहुत ही अमानुषिक व्यवहार किया जाता था, विधवा महिलाओं के छाए से भी लोग दूर रहते थे, यह कितनी बड़ी कुप्रथा है छतगण, आप सोच सकते हैं। छतगण, एक और हम लोग महिलाओं की पूजा देवी के रूप में करते हैं, अभी दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, कामाख्या देवी की पूजा, शेरावाली माता की पूजा हम लोग करते हैं, और दूसरी ओर महिलाओं के साथ इस तरह का अमानुषिक व्यवहार, ये गलत है छतगण। छतगण, एक और देवी के रूप में हम इनकी पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर भ्रूण हत्या कर रहे हैं। छतगण, एक और महिलाओं को हम लोग देवी के रूप में नवरात्रि के समय में नौ देवियों का रूप धारण करके महिलाओं को बुलाते हैं, घर पे भोजन करवाते हैं, उनके पांव पखेरे स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और छतगण दूसरी ओर हम भ्रूण हत्या करते हैं, ये कितने बड़े पाप का भागी बनाता है। छतगण, मुझे अफसोस लगता है कि हमारे समाज में सिर्फ महिलाओं को ही जो है व्रत रखने का अधिकार दिए गए हैं, जितने भी त्याग होगी महिलाएं करेंगी, पुरुष के ज्यादा उम्र को के लिए, मेरा पति ज्यादा लंबा उम्र को प्राप्त करे तो उसके लिए जो व्रत होता है वो महिलाएं ही रखती हैं। छतगण, सती प्रथा का दंश भी महिलाओं को झेलना पड़ता है। क्या किसी महिला की पहले मृत्यु हो जाए तो उसके पति को भी चिता में चले जाना उचित नहीं था, और वो प्रथा कहलाता सता प्रथा, है ना, पत्नी की मृत्यु पहले हो गई, पति को भी जिंदा जला दिया जाता ताकि पति भी डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच जाए, पति को भी पत्नी की लंबी आयु के लिए जो है करवा चौथा का व्रत रखना चाहिए। जब पत्नी करवा चौथ रखती है तो पति को रखना चाहिए करवा चौथा, है ना। लेकिन छतगण, हमारे समाज ने महिलाओं को ही सारे त्याग व्रतों के लिए अधिकृत कर दिया है, जो कि गलत है, और इसी कुप्रथाओं के खिलाफ छतगण हमारे समाज सुधारकों ने क्रांति का बिगुल भी फूंक दिया और अंग्रेजों का सहयोग मिला और हम भारतीयों ने इन कुप्रथाओं से मुक्ति पाली, वरना आज भी हम सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, कन्या हत्या, बाल विवाह के दंश को झेलते रहते। मध्यकाल में छतगण, मैंने कहा महमूद गजनवी ने जब 1025-26 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक गुजरात छोड़कर भाग गया, मंदिर की रक्षा में खड़े 50,000 ब्राह्मणों का सामूहिक कत्लेआम कर महमूद गजनवी ने मंदिर में प्रवेश किया और कहा मैं बुद्ध शिकन हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं, जब तक मेरी तलवार मूर्तियों को तोड़ नहीं लेती है मुझे दिन का चैन और रात की नींद नहीं आती है। 50,000 ब्राह्मण उसके सामने आप प्रकट हुए और हाथ जोड़कर विनती की कि सारी धन संपदा हम आपको ला के दे देते हैं मंदिर की, सोमनाथ मंदिर की, लेकिन आप मंदिर को अपवित्र मत कीजिए। गजनवी ने कहा कि मैं बुद्ध शिकन हूं, मूर्ति भंजक हूं, मैं तलवार से जब तक मूर्तियों को तोड़ नहीं लेता
मैं चैन से नहीं रहता हूं। छतगन सोचिए, मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया महमूद गजनवी ने और पूरी धन संपदा लेकर के अपने वतन लौट गया। छतगन यही काम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह जैसे आक्रांताओं ने किया और हिंदू धर्म को पथभ्रष्ट कर दिया। छतगन तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाए गए। ए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम कुमार है। तुम्हारा नाम आज से गुलाम मोइनुद्दीन हो जाएगा। लोग भी कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हुजूर मोइनुद्दीन कहिए या सरफुद्दीन, जियाउद्दीन कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन क्या मुझे टैक्स देना होगा? नहीं। तुम यदि इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो जजिया कर से बच जाओगे, तुम्हें जजिया कर नहीं देना होगा। छतगन गैर मुसलमानों से मुस्लिम शासक एक धार्मिक कर वसूलते थे जिसे जजिया कर कहा जाता था। 712 ईस्वी सन में सबसे पहली बार विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के निवासियों पर जजिया कर आरोपित किया था। एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। छतगन एक चीजों पर ध्यान दें, मैं जो जो चीजें बतला रहा हूं ये सारी परीक्षा उपयोगी चीजें हैं जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार यहां पर 20 साल का मौजूद है और वही चीजें मैं आपको बतला रहा हूं। छतगन गौर करेंगे, भारत पर सबसे पहली बार जजिया कर किसने आरोपित किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी सन में। कहां के निवासियों पर? सिंध के निवासियों पर। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। छतगन उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1025-26 में सोमनाथ के मंदिर पर। यह कौन से नंबर का आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम थे। ध्यान रखेंगे छतगन। तो छतगन एक एक चीजों पर पैनी निगाहें रखें, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें। छतगन मध्यकाल में हिंदू धर्म जब पतन की ओर अग्रसर हो गया, बला धर्म परिवर्तन होने लग गए, हिंदू लोग बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित किए जाने लगे, ऐसे में हमारे धार्मिक संतों ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया और हिंदू धर्म को फिर से एक उच्च मुकाम दिलाने की कोशिश की, जो कि मध्यकाल का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन है। धार्मिक अंधविश्वास आडंबर इस समय भी मौजूद थे, इन्हें भी दूर करने का प्रयास कबीरदास जी और अन्य संतों ने किया था। छतगन प्राचीन भारत, जो पिछली बार आपने पढ़ा कि प्राचीन भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कब हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन थे नेतृत्वकर्ता? बुद्ध और महावीर। छतगन जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, दोनों ने मिलकर के समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, आडंबर, यज्ञ विधि विधान के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। छतगन इसे ही प्राचीन भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। छतगन आखिर इस आंदोलन के क्या कारण थे, उस समय की सामाजिक दशा कैसे थी? छतगन मैंने पहले कहा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बतलाया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ कहता था अपने आप को और कहता था कि प्रशासन में जितने भी जिम्मेदार पद होंगे मैं लूंगा, शासन मैं चलाऊंगा, पूजा पाठ की जितनी पद्धति होगी वो मैं करूंगा। क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ था, उसका काम था सेना में भर्ती होना, रक्षा करना। वैश्य का जन्म जांग से हुआ था, वह व्यापार करता था। और शूद्र का जन्म पैर या तलवे से बतलाया गया था ब्रह्मा जी के, और उसको सबसे निम्न कार्य करने पड़ते थे। शूद्रों की स्थिति तो इतनी दयनीय थी कि ढोल, गवाल, शूद्र, पशु, नारी ये सब तारण के अधिकारी। छतगन शूद्रों की दयनीय स्थिति, समाज में वर्ण व्यवस्था, आडंबर, पाखंड, वैदिक कर्मकांड के खिलाफ एक आंदोलन चला था जिसे प्राचीन भारत का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया कहा जाता है। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस ने भी आंदोलन चलाया था और भारत में बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। छतगन ध्यान देंगे। छतगन अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे इस आंदोलन के बारे में और इस आंदोलन के पुरोधाओं के बारे में। छतगन जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में कहा था कि आपके नोट्स कॉपी सामने होंगे और लाल या हरा कलम और ब्लू या ब्लैक कलम, लाल या हरा कलम से हेडिंग बनती है, ब्लू या ब्लैक पेन से आपके नोट्स बनेंगे। लाल या हरा कलम से आप इस तरह के छतगन तीर का निशान देंगे, मैं कहूंगा साइन ऑफ एरो, तीर का निशान, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की आप तैयारी कर रहे हैं। और ब्लू या ब्लैक पेन से छतगन आपको जो है लिखने का काम करना होगा, ये छतगन आपका तरीका होगा, है ना। छतगन हेडिंग बनाइएगा जैन धर्म, जैन धर्म लिखे, जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव या
आदिनाथ थे। भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ थे, जिन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं छात्रगण, 24 भगवान, प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है, कहा जाता है। कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान, साइन ऑफ एरो लिखेंगे। भगवान ऋषभदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। अयोध्या लगातार चर्चाओं में रहता है छात्रगण, आप जानते हैं सरयू नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर। भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट, इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ, सांड या बैल था। वृषभ, सांड या बैल था, था। छठगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा सवाल आपसे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अयोध्या किस नदी के तट पर है? इतिहास में नहीं पूछेगा, यह जीके का क्वेश्चन है या भूगोल का क्वेश्चन है। सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या, ध्यान रखेंगे छात्रगण। भगवान ऋषभदेव, छात्रगण जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, मैंने आपको अभी बताया 24 क्वेश्चन आ चुका है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं, 24। प्रत्येक तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह है छात्रगण, जैसे भगवान महावीर का सिंह है, पार्श्वनाथ भगवान का जो है सर्प है ना, ठीक छात्रगण। उसी प्रकार ऋषभदेव भगवान, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका प्रतीक चिन्ह था छात्रगण वृषभ, सांड या बैल था। यह भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ, सांड या बैल था, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भगवान ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, इनके संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन आप सही नहीं मानते हैं? नंबर एक, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। नंबर दो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। नंबर तीन, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नंबर चार, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या लगाएंगे छात्रगण? किसको लगेंगे अपने मार्कशीट में? किसको क्लिक करेंगे अपने कंप्यूटर पे? जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको क्लिक करना होगा डी ऑप्शन को, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प नहीं था, सर्प 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का था छात्रगण, ध्यान रखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, सांड या बैल था, ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से आता है। तो छात्रगण आपको ध्यान देना होगा, याद रखना होगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव भगवान, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, सांड या बैल, जिसे आपको छात्रगण याद रखना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसको आपको याद रखना होगा छात्रगण, है ना। तो भगवान ऋषभदेव को याद करते हुए छात्रगण आपको याद क्या क्या रखना है छात्रगण, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ, सांड या बैल है। तो छात्रगण ये भगवान ऋषभदेव से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। छात्रगण यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में छात्रगण हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सटीक जवाब देता है वही जीतता है, वरना शिकारी के जाल में आपको फंसना नहीं है छात्रगण। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जो फंसा वो गया, वो चला जाता है छात्रगण। इसलिए याद रखिएगा,
दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे छात्रगण, मैं तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। यदि आपसे पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको रामी से गुड बाई टप लगाना है, ऋषभदेव या आदिनाथ। लेकिन छात्रगण एक शब्द जुड़ जाएगा और आपके आंसर को परिवर्तित कर देगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तब छात्रगण वहां आपका आंसर चेंज हो जाएगा, महावीर। वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे छात्रगण, महावीर। अब यहां मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको बता रहा हूं छात्रगण, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। छात्रगण ऐसा क्यों, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव भगवान ने की, आदिनाथ भगवान ने की, यह सच्चाई है, लेकिन भगवान महावीर के कार्यकाल में जैन धर्म जितना पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, इसका प्रचार प्रसार पूरे इंडिया में हुआ, 30 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स उस समय जैन थे, जैन धर्म समूचे हिंदुस्तान में फैल गया था छात्रगण, इसलिए भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है छात्रगण। ठीक उसी प्रकार बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, चार युद्ध किए, जिसका ट्रिक भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर, पानी पियो, पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाओ, खानवा का युद्ध, चलो चंदेरी का युद्ध, घर घाघरा का युद्ध। कहीं भी आप जाते हैं किसी पार्टी में तो पहले पानी के लिए आपको पूछा जाता है, पानी के बाद खाने के लिए पूछा जाता है, खाना जब आप आराम से बिंदास होकर खा लेते हैं, यहां तक हम ले लेते हैं ओवरलोड, पूरे परिवार के साथ सबसे पूछ लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं, सब ले लिया ना जो तुम लोग, मिठाई उठाई हर चीज, आइसक्रीम उइसक्रीम कॉफी उफी, हाँ हाँ एकदम ले लिया यहां तक, और कोई गुंजाइश है ना, आप कोई गुंजाइश नहीं, हमने तो बाहर फेंक देगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जब आप पूरे परिवार से सहमति ले लेते हैं, उसके बाद आपको कहां जाने की हड़बड़ाहट होती है, घर जाने की हड़बड़ाहट होती है। तो इसलिए छात्रगण ट्रिक मैंने बनाया है, बाबर के द्वारा लड़े गए चार युद्धों का क्रम है, हर साल उसने युद्ध किया, पानी पियो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाना खाओ, खानवा का युद्ध 1527, चलो चंदेरी का युद्ध 1528, घर घाघरा का युद्ध 1529। छत्रगण इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में है ना पानी पियो खाना खाओ, 28 में चला गया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मर गया, है ना। ये एक और टेक्निक है छात्रगण जिसे आपको याद रखना, दो टेक्निक मैंने दी आपको बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को याद रखने का, एक तो पानी पियो खाना खाओ चलो घर छात्रगण, ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, और बाकी ये वाला कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मर गया, यानी बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। तो छात्रगण बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचा, पुष्पित और पल्लवित हुआ। अकबर के शासनकाल में भारत में मुगल साम्राज्य का शांतिपूर्वक और विशाल रूप में स्थापना हुई, इसलिए अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है छात्रगण, महावीर हैं, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, ध्यान रखेंगे। तो छात्रगण कभी नहीं भूलेंगे इन सब चीजों को, कभी गलती ना करेंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, डाना डालेगा, लेकिन फंसना मत, अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, कह देना कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को कि अभी फुर्सत नहीं है, मैं भगवान कृष्ण से बात करके आ रहा हूं। और छात्रगण कृष्ण हमेशा आपको गीता का संदेश देंगे, कर्म के पथ पर चलने का संदेश देंगे, और आपको कर्म के पथ पर चलने का संदेश कभी भी गलत संदेश नहीं होगा छात्रगण, और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जब भगवान कृष्ण जैसे पथ प्रदर्शक होंगे तो अर्जुन भी युद्ध में गांडी उठा करके युद्ध करने के लिए जो है तैयार हो जाएगा। तो छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऋषभदेव भगवान को लिखने के बाद और इनके बारे में जानने के बाद हम लोग अगला जो हेडिंग बनाएंगे छात्रगण, हेडिंग बनाएंगे अपने नोट्स कॉपी में, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ लाल या हरा कलम से छात्रगण, हेडिंग बन गई, वेरी गुड, लगना चाहिए कि क्लास आप कर रहे हैं तो बैठ के कर रहे हैं क्लास, वो सब हम लोग खाना पूर्ति नहीं करते हैं छात्रगण, कि आए बक दिए और चले गए, स्टूडेंट को समझ में आया तो आया, नहीं समझा तो नहीं समझा,
खाली आए और बोल ले, डायलॉग बाजी किए और निकल गए। इससे नहीं होता छात्रगण, है ना। डायलॉग देना आसान है छात्रगण, लेकिन उसे स्टूडेंट के दिमाग में अटाना, उसे स्टूडेंट के दिमाग में समाहित करना, समावेशित करना टफ काम होता है छात्रगण। इसलिए हम लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं रखते छात्रगण, हमेशा से गुरुकुल का एटीट्यूड रहा है, स्टूडेंट की भलाई भलाई और भलाई, और उसके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े, एक एक शिक्षक और मैं 24/7 तैयार रहते हैं छात्रगण, ये ध्यान रखिएगा। तो छात्रगण इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में भी कभी भी उस एटीट्यूड को नहीं अपनाया कि हम लोग आए कि क्लास में केवल बग दिया, स्टूडेंट को समझ में आया तो आया, लिखा नहीं लिखा, छूटा तो छूटा। नहीं छात्रगण, एक एक छात्र जब तक विकास नहीं करेगा, एक एक छात्र के अंदर में जब तक प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति लगन आत्मविश्वास नहीं जागृत होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना आपको चैन से बैठने देंगे छात्रगण। ये आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। पार्श्वनाथ आपकी हेडिंग बन गई होगी, लिखेंगे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तीर का निशान छात्रगण हरे या लाल कलम से, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, काला सांप, अजगर सांप एकदम छात्रगण इनके माथे पर विराजमान है, सर्प है। नेक्स्ट, इनके पिता बनारस के राजा अश्वसेन एवं माता वामा देवी थी। इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण, इनवाइट कमांड लाइन लाल कलम, नोट सुंदर बनना चाहिए छात्रगण, सुंदर चीजें आकर्षित करती है, गौर करेंगे, लाल पीला हरा नीला एकदम लगना चाहिए, कलरफुल। इनके पिता बनारस के राजा अश्वसेन एवं माता वामा देवी थी। नेक्स्ट, भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट, भगवान पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 नियम बतलाया था जो निम्न है, लिखेंगे छात्रगण। नंबर 1, अहिंसा। छगन क्या है अहिंसा? अब बोलेगा सर किसी को मारना काटना है ना, यही अहिंसा है, हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। हम हिंसा नहीं कर रहे, हम किसी को मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे हैं, ठोक बजा नहीं रहे हैं, तो यही अहिंसा है। नहीं छगन, जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही गूढ़ तरीके से, बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से बतलाया गया है छगन। जैन धर्म में बतलाया गया है कि मन से, वचन से और काया से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। मन से, अब बोलेगा मन से क्या अहिंसा कैसे हो सकती है सर? छात्रगण आपने सोच लिया आपने शत्रु के बारे में कि मैं उसे मारूंगा, हिंसा हो गई। आप ऊपर जाइएगा मृत्यु के बाद तो आपसे यमराज पूछेंगे वहां कि आपने 24 मर्डर किए हैं। 24 हम तो एक भी नहीं किए हैं यमराज महोदय, क्या बोल रहे हैं? बोला नहीं, आपने 24 मर्डर किए हैं। 24 कब किए हैं? 24 बार आपने सोचा था ना कि हम इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, तो सोचने से भी हिंसा हो गई। बोले हाँ जी बिल्कुल हो गई छतगन, ये हिंसा का एक रूप है, मन से हिंसा। यानी आपने सोच भी लिया कि मैं इसे मारूंगा, मैं इसे पीटूंगा, मैं इसे ये करूंगा, मैं उसे वो करूंगा, हिंसा हो गई। दूसरा छतगन, वचन से हिंसा, ऐसी बात कहना जिससे सामने वाले को तकलीफ हो जाए, अपमानित कर देना किसी को, किसी को जलील कर देना, किसी के बारे में अपशब्द कह देना, किसी को गाली गलौज कर देना,
है ना, किसी को ऐसी बात कह देना कि उसके दिल में दुख दर्द उत्पन्न हो जाए, बेचारा पीड़ित हो जाए, तनाव में आ जाए, आह भर ले, किसी की आह ले लेना, यह वचन की हिंसा है। और तीसरी हिंसा जो सबसे ज्यादा क्रूर बतलाई गई है जैन धर्म में, काया की हिंसा छतगन, किसी को मार देना, पीट देना, टांग तोड़ देना, माथा पाड़ देना, अपने जीभ के स्वाद के लिए जानवरों का कत्लेआम करवा देना, बकरी, मुर्गा, अंडा, मांसाहार का सेवन करना। अब बोलेगा सर हम कहां मारते हैं, दूसरा ना मारता है सर, हम तो उसको लेके खाली खा लेते हैं। तो छतगन, मारा तो आप ही के लिए जाता है ना, आप त्याग दें तो हिंसा क्यों हो, आप किसी को लाठी से पीट रहे हो, अंग भेदन कर रहे हो, यह भी हिंसा का ही एक रूप है ना। तो छतगन, इसलिए जैन धर्म के लोग पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं। छतगन, अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से और काया से हिंसा नहीं करना, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाना। यानी मन से भी ना सोचिए कि मैं दूसरे को मारूंगा, वचन ऐसा मत कहिए कि दूसरों को तकलीफ हो जाए, और काया की हिंसा, यानी कि काया की हिंसा भी आपको नहीं करनी है, किसी को मारना पीटना, नॉन वेजिटेरियन का स्वाद चखना, है ना, ये सब काया की हिंसा की गिनती में आता है छतगन। तो ये अहिंसा है, इसको डिफाइन करें छतगन, लिख लें, लिखेगा अहिंसा, मन से, वचन से एवं काया से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है, अहिंसा है। नंबर दो, दूसरा नियम लिखेंगे छात्रगण, सत्य, सत्य लिखिए, प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों में भी सच बोलना, सच बोलना सत्य है, सत्य है। नंबर तीन लिखेंगे छतगन, अस्ते या अचौर्य, अस्ते या अचौर्य, अचौर्य छतगन, अस्ते या अचौर्य, बिना दूसरे की अनुमति के, डिफाइन करें छतगन, बिना दूसरे की अनुमति के उसकी वस्तु का प्रयोग करना ही, बिना दूसरे की अनुमति के उसकी वस्तु का प्रयोग करना ही चोरी है, चोरी है, तथा ऐसा न करना ही अस्ते या अचौर्य कहलाता है, अस्ते या अचौर्य कहलाता है। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जैन धर्म में अहिंसा क्या है, तो मन वचन या काया से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना ही अहिंसा है। सत्य क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का सदैव साथ देना, सच्चाई का सदैव साथ देना, सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना ही सत्य है। छतगन, अहिंसा, सत्य, तीसरा नियम बतलाया था भगवान पार्श्वनाथ ने, अस्ते या अचौर्य छतगन, छतगन क्या है ये, चोरी नहीं करना। छतगन चोरी नहीं करना मतलब आप क्या समझते हैं, इसकी वस्तु उठा लिया, उसका बैग रखा हुआ था उसको लेके भाग गए, उसका घर से सामान चोरी कर लिए, ये तो चोरी है ही छतगन। लेकिन जैन धर्म में भगवान पार्श्वनाथ ने अस्ते या अचौर्य का एक जबरदस्त मीनिंग बतलाया छतगन, जो अद्भुत है, जो ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। क्या है छतगन, इसको समझेंगे छतगन, अस्ते या अचौर्य का अर्थ है आपका जिस वस्तु पर अधिकार नहीं है उस वस्तु को आप उसके मालिक के अनुमति के बिना प्रयोग भी करते हैं तो वह चोरी है। सोचिए छतगन कितनी बड़ी बात है ये छतगन, ये कलम
मैंने यहां रख दिया, रखा हुआ है ये। आप आए, आपने कलम उठाया, यहां लिखना शुरू कर दिया, ऊपर चोरी की रिकॉर्ड में चला जाएगा। आप जाइएगा तो बोलेगा आपने चोरी की थी, बोला नहीं श्रीमान आज तक तो मैंने चोरी नहीं किया यमराज महोदय, बोला आपने गुरुकुल में पेन रखा हुआ था, बिना सर के अनुमति से उठा करके बोर्ड में लिख दिया था, है ये भी चोरी है। जी हाँ, आपके मित्र का कलम बगल में रखा हुआ है ना, और आपने उससे पूछे बिना उसका कलम लेकर के उतार लिया, ये भी चोरी है। सोचिए छात्रगण, चोरी का डिफिनेशन कितना खतरनाक है, कि आपने जो उसके वास्तविक मालिक थे उसकी अनुमति के बिना उसके वस्तु का प्रयोग कर लिया तो ये चोरी है। आपका मित्र आया, साइकिल में ताला नहीं लगाया हुआ था, खुला छोड़ करके आके बैठा और आप उसकी अनुमति के बिना उसका साइकिल लेके चले गए, वो बेचारा 5 मिनट बाद बाहर निकलता है तो हल्ला करने लगता है, चोरी हो गया हमारा साइकिल, चोरी हो गया, हार्टबीट उसका बहुत जाता है, बेचारा नया साइकिल था, लग रहा था कि एकदम क्या हो जाएगा उसको, और आप 5 मिनट बाद आते हैं, आपको बता दे तुम साइकिल लेके तुम चला गया था, बोला हाँ हम ही तो लेके गए थे, तो बोला बताया कहीं नहीं रहे हमारा, इतना देर तक हार्टबीट बढ़ गया, बताओ तो हालत खराब हो गया मेरा, और तुम बोल रहे यार एकदम हमको लगा कि क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, नया साइकिल था, पिताजी अभी लेके खरीद करके दिए थे। छतगन यही चोरी है और इसी को नहीं करना ही आस्ते या अचौर्य है, यह भी क्वेश्चन छतगन प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। चौथा है छतगन अपरिग्रह, अपरिग्रह। छतगन लिखेंगे पहले इसको फिर हम लोग समझेंगे, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना ही अपरिग्रह है। अर्थात कंप्लीट हुआ छतगन, वेरी गुड। अर्थात धन के लालच में, लालच में अपने नींद और चैन, सुख एवं शांति को तिलांजलि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, चाहिए। छगन, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। छगन, धन कमाना गलत नहीं है, पैसे कमाना कहीं से भी गलत नहीं है, गलत तरीके से पैसों का अर्जन करना ही गलत है, गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके पैसे कमाना गलत है। आप सही संसाधनों का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं से भी कोई गलत नहीं कहेगा। आपका हाथ हमेशा ऐसे रहे यह ज्यादा बेहतर है, ना कि ऐसे रहे। छतगन, ऐसे करने वाले का कोई पूछ नहीं होता है समाज में, ऐसे करके रहेंगे तो आपकी सदैव पूछ होगी। पैसा कमाइए अच्छे संसाधनों का इस्तेमाल करके, मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके पैसा कमाइए, लेकिन पैसे कमाने के पीछे इतने भी दीवाने मत बन जाइए कि दिन का चैन और रात की नींद को दांव पे लगा दीजिए, अपने सुख शांति सुकून को दांव पर लगा दीजिए, अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा दीजिए। नहीं छतगन, ये गलत है, यही अपरिग्रह है कि पैसे के दीवाने मत बन जाओ, पागल मत बन जाओ, है ना। मेहनत करो, परिश्रम करो और पैसा कमा के रखो, क्योंकि पैसा तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। भविष्य में कब कैसी विपदा आ जाए, कब तुम्हें दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़ जाए, ऐसी स्थिति ना आए, पैसे का संचय भी करो, बचा के भी रखो, लेकिन गलत तरीके से पैसे मत कमाओ और पैसों के प्रति इतनी दीवानगी मत रखो कि अपने सुकून चैन पारिवारिक जिंदगी को दांव पे लगा दो। यही भगवान पार्श्वनाथ ने चौथा नियम बतलाया, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना, धन के चक्कर में अपने नींद और चैन को गवा नहीं देना। छतगन, यह चौथा नियम था। छतगन, यहीं पर मैं चाहूंगा बता देना आपको कि इन चार नियमों में भगवान महावीर ने पांचवा नियम बतलाया था छतगन, और उन्होंने पांचवा नियम जैन धर्म में जोड़ दिया था। वो पांचवा नियम था, बतलाया छतगन क्या था, ब्रह्मचर्य। छतगन, क्या है ब्रह्मचर्य जो भगवान महावीर ने बतलाया, ध्यान रखिएगा छतगन, भगवान पार्श्वनाथ ने चार नियम बतलाए थे, है ना, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्ते या चौर्य और अपरिग्रह, चार नियम उन्होंने बतलाए। इनमें पांचवा नियम भगवान महावीर ने जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। छतगन, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है
इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों के रथ रूपी लगाम को अपने नियंत्रण में रखना ही ब्रह्मचर्य है। छात्रगण, इच्छाएं अनंत है, हर इच्छाओं की पूर्ति हो जाए यह जरूरी नहीं है। सबकी इच्छा होती है कि मेरे विवाह कैटरीना कैफ के साथ हो जाए, लेकिन क्या यह संभव है? सलमान खान सका ही नहीं तो हम लोग क्या सकेंगे छात्रगण, है ना? तो छात्रगण, सबकी इच्छा होती है कि मैं हेलीकॉप्टर में घूमू, मुकेश अंबानी जैसा मेरा 5,000 करोड़ का इंटेला मकान हो, स्टेडियम हो, सिनेमा हॉल हो, हेलीकॉप्टर से मैं उतरूं। लेकिन छात्रगण, इच्छाएं अनंत है, लेकिन हर इच्छा की पूर्ति हो जाए यह संभव नहीं है छात्रगण। इसलिए इच्छाओं को वश में रखना ही जीवन का सच्चा सार है। छात्रगण, 5 इंद्रियां हमारे शरीर में हैं। कान एक इंद्री है जिससे हम सुनते हैं, आंख दूसरी इंद्री है जिससे हम देखते हैं, नाक तीसरी इंद्री है जिससे हम छात्रगण क्या करते हैं, सूंघते हैं, चौथी इंद्री है जीभ छात्रगण जिससे हम स्वाद चखते हैं कौन सा कैसा बना है, और 5वीं इंद्री स्पर्श जो कि हमें सुखद एहसास दिलाती है। छात्रगण, यदि इन इंद्रियों को हमने वश में नहीं रखा तो फिर हम मानव नहीं पशु तुल्य बन जाएंगे। छात्रगण, मानव और पशु में क्या अंतर है आपने कभी गौर किया है? मानव का मस्तिष्क सबसे ऊपर दिया है भगवान ने, क्यों? उन्होंने कहा है सबसे पहले मस्तिष्क से सोचो, उसके बाद उन्होंने दिया है मुंह, जबान दी है छात्रगण, जीभ दिया है, तब बोलो, उसके नीचे हाथ दिया है, तब करो। और पशुओं को क्या दिया है भगवान ने? सब कुछ पैरेलल कर दिया है ना, ब्रेन भी पैरेलल, शरीर भी पैरेलल, सब चीज पैरेलल। तो इसलिए आप देखते हैं जहां तहां शुरू हो जाता है वो, है ना, जो चाहे करता है, उसको कोई सरफ लिहाज नहीं है। तो छात्रगण, मानव और पशु में यही अंतर है। छात्रगण याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य का अर्थ महावीर ने बतलाया कि तुम अपने सभी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सूंघो, जीभ के स्वाद के लिए दीवाने मत बन जाओ। भोजन जीवन का साधन है, लोग जीवन जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, है ना? तो जीवन जीने के लिए भोजन करो, खाने के लिए जीवन नहीं जिया जाता है। तो जीभ के स्वाद के लिए जो है एकदम पागल और दीवाने मत हो जाओ, और स्पर्श के पीछे भी तुम्हें नहीं भागना है। छात्रगण, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, पहले के हमारे साधु संन्यासियों ने जो बतलाया है वैदिक पीरियड में छात्रगण, कि मनुष्य का पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक रहता है, 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम रहता है, 50 से 75 वर्ष की अवस्था तक वानप्रस्थ आश्रम रहता है, और 75 से 100 संन्यास आश्रम रहता है। छात्रगण, 4 आश्रम हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाए हैं मनुष्य के जीवन को 100 साल का आधार मान करके। छात्रगण, इन 4 आश्रमों में पहला आश्रम बतलाया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक रहता है। क्या कर्तव्य है मनुष्य के? शिक्षा ग्रहण करे, रोजगार की तलाश करे, रोजगार की प्राप्ति करे, और उसके लिए अपने आप को छोड़ दे। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने गलत दिशा की ओर उन्मुख किया, गलत चीजों की ओर ध्यान भटकाया, तो फिर आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। छात्रगण, भगवान महावीर का यह कथन आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें और अपने आप को सब चीजों से कंट्रोल करके रखें। छात्रगण, नियंत्रण कर करके रखें। यही 5 नियम जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं छात्रगण, है ना? तो कौन कौन से 5 महाव्रत में आएंगे छात्रगण? 1 आ गया अहिंसा, किसी को मारना पीटना नहीं, हिंसा नहीं करना, सत्य, विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य बोलना, अस्ते या अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यही 5 जो है जैन धर्म के नियम बतलाए गए हैं छात्रगण, जिन्हें 5 महाव्रत कहा गया है। भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए 4 नियमों में से 5वां नियम कौन सा जो हुआ था छात्रगण? उन्होंने ब्रह्मचर्य को शामिल किया था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, यह क्वेश्चन भी आ चुका है। पूछेगा, जैन धर्म के 3वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 3वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का संबंध कहां से था? उत्तर प्रदेश के बनारस से था, जहां से नरेंद्र मोदी अभी सांसद है। बनारस किस नदी के तट पे है? गंगा नदी के तट पर स्थित है, है ना? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है? बनारस में स्थित है। बनारस हिंदुओं का सबसे पौराणिक शहर माना जाता है छात्रगण, ध्यान रखिएगा, सबसे पौराणिक, है ना? क्योंकि ये भगवान शिव से भी संबंधित है बनारस, ध्यान रखेंगे छात्रगण। बनारस में इनका जन्म हुआ, इनके पिता राजा अश्वसेन थे। पूछेगा, भगवान पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? राजा अश्वसेन।
माता का क्या नाम था? वामा देवी। भगवान पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के बीच कार्यकाल का कितना अंतर था? 250 साल पहले छात्रगण भगवान पार्श्वनाथ का आगमन हुआ था, भगवान महावीर से 250 साल पहले। यह भी ध्यान रखिएगा, भगवान पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कौन कौन से नियम बतलाए थे? चार नियम बतलाए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अचौर्य और अपरिग्रह। अस्तेय या अचौर्य का अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करना या बिना किसी की अनुमति के उसकी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। अपरिग्रह क्या होता है? आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना, धन के लालच में अपने जीवन के शांति और सुकून को दांव पर नहीं लगाना ही अपरिग्रह है छात्रगण। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? भगवान महावीर ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? अपने इंद्रियों को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य है। पांच इंद्रियां हमारे शरीर में हैं, उनको कंट्रोल करके रखना, नियंत्रित करके रखना ही ब्रह्मचर्य है। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा। छात्रगण अगली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे लाइव क्लासेस में भगवान महावीर और उनसे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। गुरुकुल आपको पूरे विस्तार से बताएगी, एक एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पके हुए आम की तरह गिरेंगे और आपको इसे रोक लेना है, गोबर में नहीं गिरने देना है छात्रगण, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। छात्रगण अगले क्लासेस में इसी जोश खरोश और ऊर्जा के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। इस लाइव क्लासेस में भगवान महावीर से जुड़े हुए हर पहलुओं को तो हम लोग जानेंगे ही, साथ ही साथ जैन धर्म के सिद्धांत, भगवान बुद्ध, भगवान बौद्ध, बुद्ध ने किस किस प्रकार से जो है अपने अनुयायियों को संदेश दिया, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे, दोनों धर्म के सिद्धांतों में क्या अंतर है, ये सारे चीजों को हम लोग जानेंगे। यद्यपि दोनों धर्म का एक ही मकसद था, वर्ण व्यवस्था का विरोध, एक ही मकसद था, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो छात्रगण इतिहास विषय के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को पुनः मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। लाइव क्लासेस में हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और कल प्रातः जो है, कल तो छात्रगण मैं समाज प्रार्थी हूं, कल रविवार है इसलिए कल तो नहीं, सोमवार को पुनः प्रातः 9 बजे लाइव क्लासेस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा छात्रगण। तब तक के लिए आप सभी घरों पर पढ़ें, अध्ययन करते रहें, सभी विषयों को एक समान महत्व दें और सभी विषयों के प्रति गंभीरता बरतते हुए तैयारी को अंजाम दें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, संस्थान खुलेगी, सारे कार्यालय खुलेंगे, सरकारी नौकरियां आएंगी, तैयारियों को आपका जो है अंजाम दिया हुआ रहेगा तो सफलता सुनिश्चित रहेगी। इसलिए तैयारी को छात्रगण रुकने न दें, थकने न दें, थमने न दें, यही मैं आप लोगों से विनती करूंगा, यही मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों का रहेगा। छात्रगण आज की कक्षाओं को मैं एक कवि के जो है उक्ति के साथ विराम लगा रहा हूं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ गुरुकुल आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को हृदय तल से शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रेषित करती है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, अलविदा।